बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोलकाता में आयोजित नमामि गंगे योजना के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भेजे जाने पर प्रतिक्रिया की है। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आगामी 30 दिसंबर को कोलकाता में आयोजित नमामि गंगे योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के शामिल होने की बात जब सामने आई तो सियासी गलियारे में एक चर्चा छिड़ी कि आखिर पीएम मोदी जिस कार्यक्रम में रहेंगे उसने बिहार की ओर से खुद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने क्यों नहीं दे रहे। तरह तरह की चर्चाओं के बीच अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इस पर प्रतिक्रिया हुई है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कोलकाता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भेजे जाने के सवाल पर मीडिया से कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में मंत्री भी शामिल होते रहे हैं, जो इस विभाग को देख रहे हैं वही इसमें जाएंगे, पहले भी डिप्टी सीएम ही गए हैं, इसीलिए अन्य बातों का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 30 दिसंबर के इस कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता जाएंगे। गंगा नदी की साफ सफाई को लेकर चल रही योजनाओं के बारे में वे अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी यादव के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि तेजस्वी यादव की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। इस कार्यक्रम में गंगा नदी से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्री को भी शामिल होने को कहा गया है। इसी के बीच आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे लेकर कहा है कि गंगा की पवित्रता सुनिश्चित करने से जुड़ा यह विशेष कार्यक्रम है और इसमें भाग लेने हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कोलकाता जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा नदी बिहार के लिए जान और प्राण की तरह है, इसलिए इसकी पवित्रता को लेकर बिहार पूरी तरह से तत्पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। धन्यवाद।